सिटिंग में पूछेगा, सब्जेक्टिव पोर्शन का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लूंगा और फिर आपको सॉल्यूशन करूंगा। एक चीज, मैंने सॉल्यूशन पहले से बना के रखा है और मैं इसको बिल्कुल आपको समझाता जाऊंगा एनालिटिक ग्रुप में। अगर अभी जस्ट बनाता और वीडियो करता तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है और अपलोडिंग में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, कटिंग में, फिर क्वालिटी देने में। चलिए, ये तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 870 और 225 का महत्तम समापवर्तक आप निकालिए। देखिए इसमें क्या है, जो दी गई संख्या है वो है 870 और 225। तो आप इसको देखिए, स्टेप आप लिख भी सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे जैसे करते थे बचपन में, 225 से चालू करते थे फिर यहीं पे अगला स्टेप निकाल देते थे, बट वैसे भी आप कर सकते हैं लेकिन इसमें स्टेप लिखना होता है। तो आइए मैं स्टेप लिख के बताता हूँ। 225 से तीन बार का लगा, यहाँ बच गया 195। फिर यहाँ पे स्टेपिंग हम कैसे लिखते हैं, तो 100, मैंने उल्टा लिख दिया, पहले 225 लिखा था, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 870 बराबर 3 × 225 या 225 × 3 जोड़ नीचे जो शेष है 195। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये स्टेपिंग तब तक करेंगे जब तक कि हमारा जो ये जीरो नहीं हो जाता। ओके, तो अब ये जीरो नहीं हुआ, आप क्या करेंगे, तो 195 को आगे कर देंगे और 225 को ले जाएंगे यहाँ पे भाज्य के रूप में। फिर 195 से एक बार का लगाया तो यहाँ आ गया 30। फिर हम कैसे लिखा हमने सेकंड स्टेप को लिखा 225 बराबर 195 × 1 + 30। ओके, फिर यहाँ देखे 30 जीरो नहीं हुआ है, तो फिर आगे चलेंगे और इस बार क्या करेंगे, तो 30 को इधर और 195 को इधर, फिर हमारा 15 बचा। तो लिखे स्टेपिंग 195 बराबर 6 × 30 + 15। तो 6 × 30 + 15 ये हमारा हो गया 195। अभी भी ये जीरो नहीं हुआ है, तो फिर से एक बार करेंगे। आप देखिए 15 से 30 दो बार का लगा, ये हमारा जीरो हो गया भाज्य। तो किससे लगाने के बाद शेषफल जीरो हुआ, तो 15 से लगाने पर। सो डेट हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 225 और 870 का एचसीएफ 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना भाग दिए हुए बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। सबसे पहले हम इधर आते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न में 343। एक चीज और, मैंने सब्जेक्टिव किया था तो उसमें मैंने एक चीज किया था, नीचे से काटा नहीं था ऊपर को, तो 2 का सब्जेक्टिव का ऑप्शन सी के बदले मैंने डी लगा दिया था जबकि होता सी। लेकिन यहाँ देखिए जो है, 13 और 343 कटेगा नहीं, तो सीधे 343 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमको 7/3 प्राप्त होता है। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जिसका पावर 7/2 / 5/n के रूप का रहेगा वही केवल शांत होगा, लेकिन इसका पावर 7/3 है तो ये अशांत दशमलव होगा। तो ऑप्शन नंबर डी का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा होगा अशांत प्रसार, इसका अशांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बहुपद f(x) दिया हुआ है, p और q इसके शून्य थे, तो p² + q² का मान ज्ञात करने का रहा। ये सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। f(x) = इतना था, इसके शून्य p और q है, आप जानते हैं फॉर्मूला p+q, यानी शून्य को का योग बराबर -b/a, उससे यहाँ लिया गया 7/2 यानी माइनस, फिर -7/2 तो 7/2, और p × q होता है अचर पद बटा x² का गुणांक, तो 3/2। अब क्या pq और p × q और p+q हमको मिल गया, तो p² + q² फॉर्मूला लगा देंगे, a² + b² = a+b² - 2ab वाला। तो इस फॉर्मूला में फिर आपने पुट किया, तो आपको पुट करके कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन रोक के वीडियो, यहाँ पे कैलकुलेशन आपका करने के बाद 37/4 ऑप्शन आएगा। फिर से एक बार समझ लेंगे, शून्य को का योग 7/2, शून्य को का गुना 3/2, स्क्वायर निकालने के लिए a+b² का फॉर्मूला लगा, कैलकुलेशन करने के बाद 37/4। एक चीज और, अगर कैलकुलेशन में कहीं फॉल्ट आता है, देखिए मैथमेटिक्स है, कोई आदमी 100% नहीं आता ऊपर से। ओके, हम लोग 100% करने की कोशिश करते हैं, कहीं अगर आगे पीछे हो जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आइए ना, और ठीक से भी कमेंट आप कीजिए। बहुत सारे दर्शकों का कमेंट बहुत अच्छा आता है, कुछ दर्शक थोड़ा सा बढ़ते हुए रहते हैं, देखिए ये मैथमेटिक्स है भैया, थोड़ा आगे पीछे चलता है। चलिए आइए, तो 37/4 आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा एक्स के 10 छात्र गणित की प्रश्नावली में भाग लेते हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो रैखिक समीकरण युग्म लिखिए। आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न में दिया हुआ था कुल छात्रों की संख्या 10, हमने माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y, अब इसका रैखिक समीकरण युग्म लिखना है। देखिए छात्र का संख्या मतलब कुल लड़का और कुल लड़की, छात्र की संख्या मतलब कुल लड़का और कुल लड़की, तो डेट मीन्स जब हम इसको जोड़ेंगे यानी x + y,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मतलब छात्रों की संख्या मतलब लड़कों लड़कियों की कुल संख्या, तो ये 10 एक एक समीकरण बन गया। हमारा दूसरा समीकरण बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। दूसरा समीकरण इससे जनरेट कर लेंगे y माइनस x इज इक्वल टू 4, तो दोनों समीकरण निकाय यहाँ पे उपस्थित है, क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें पूछ रहा है कि साबित कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके आइए मैं इसका प्रूफ देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या। देखिए इसको बोलते हैं विरोधाभास, विरोधाभास से प्रूफ करना। परिमेय मान लेंगे और फिर लास्ट में दिखा देंगे कि देखिए परिमेय मानने से प्रॉब्लम हो गया इसलिए ये अपरिमेय होगा। तो इसको पी बटा क्यू के रूप काम लिख सकते हैं। अब क्यू को इधर ले आया तो पी बराबर √3 क्यू। अब जब हमने दोनों तरफ वर्ग किया तो वर्ग करने पर हो गया पी का पी स्क्वायर और √3 का 3 और क्यू का क्यू स्क्वायर। अब है कि देखिए जब कोई भी चीज दो के गुना में होती है तो कंफर्म है कि ये चीज इसको काटेगी, तो 3 पी स्क्वायर को विभाज्य करता है। अब 3 जब पी स्क्वायर को विभाज्य करता है तो हर हाल में वो पी को भी विभाज्य करेगा, यानी कि 3 पी स्क्वायर को विभाज्य करता है, डेट मीन्स पी 3 पी को भी विभाज्य करेगा। अब अगला क्वेश्चन आइए, तो पी को हम मान लेंगे 3 के, जब पी 3 को जब 3 पी को विभाज्य करता है तो हम पी को मान लेते हैं 3 के। जैसे ही हमने पी को 3 के माना तो हमारा हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के स्क्वायर। अब हम जरा सा समीकरण 1 में आते हैं, समीकरण 1 में हम पी स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे, समीकरण 1 में हम पी स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे 9 के स्क्वायर, तो 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। हम 3 से 9 को काट देंगे 3 बार का, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर। अब आते हैं इधर, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के स्क्वायर, दैट मीन्स कि अब इस बार 3 विभाजित करेगा क्यू स्क्वायर को, इस बार 3 विभाजित करेगा क्यू स्क्वायर को, डेट मीन्स 3 विभाजित करेगा क्यू को। अब यहाँ लिखते हैं कि चूंकि 3 पी एवं क्यू, पिछला बार अभी हमने देखा थोड़ा देर पहले कि 3 यहाँ पे देखिए आइए 3 विभाजित कर रहा था पी को, अभी यहाँ प्रूफ हो गया 3 विभाजित कर रहा है क्यू को। देखिए जब भी कोई संख्या पी वाई क्यू के रूप में लिख दी जाती है तो पी वाई क्यू में लिख देने के बाद अब उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे पी और क्यू दोनों का एक वैनिश गुणनखंड 3 मिल गया, यानी कि ये प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्यों हुआ, तो हमने उसको परिमेय मान लिया था, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। विरोधाभास त्रिया 5 का आंसर हो गया। अब आइए 6 के आंसर में चलते। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुपद f of x is equal to इतना के शून्यकों का जोड़ शून्य होने के शर्त की गणना कीजिए। ये देखते हैं कि बहुपद इसके इस बहुपद के 2 शून्यकों का योग शून्य होगा तो कौन सा शर्त p q और r के बीच बनेगा। आइए चलते हैं कुछ सॉल्यूशन पे। हाँ, तो f of x is equal to xq minus px square plus qx minus r, तो f of x के शून्यक हम अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं। अब देखिए क्या प्रश्न कह रहा है कि 2 शून्यकों का योग कितना है, तो 2 शून्यकों का योग है 0, तो 2 शून्यकों का योग 0 कर लिया, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होता है -b/a, ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारा p आया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, इसका समीकरण होता है c/a, c का वैल्यू और a का वैल्यू डाल के यहाँ पे q कर लिया, और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू होता है r, इसको कर लिया 4। अब इस एक बार फिर से हम यहाँ आएंगे, अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा p, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा q, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों हमने निकाला है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा समीकरण 1 और 2 से आइए, समीकरण 1 था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, समीकरण 2 था ये, तो एक काम करेंगे इसको 0 कर देंगे तो गामा का वैल्यू पी, देखिए यहाँ कंक्लूजन है गामा का वैल्यू पी। आगे आइए फिर समीकरण 3 और 1 से, एक तो आप जान ही गए अल्फा प्लस बीटा 0, समीकरण 3 ये हमारा रह गया। आप देखिए क्या कीजिए, इससे गामा कॉमन ले लीजिए तो अंदर बच गया बीटा अल्फा, अभी बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू 0 किया था समीकरण 1 से, फिर से इसको 0 कर दिए तो ये खत्म, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्यू। अब लास्ट समीकरण 4 में चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू आर था, यहाँ आप देख सकते हैं अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू आर समीकरण 4 में। तो अभी क्या करेंगे, देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्यू था, क्यू पुट कर दिए, गामा का वैल्यू यहाँ पे पी था, पी पुट कर दिए, दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू आर, यही अभी शर्त है, 2 शून्य 0 होंगे जब पी क्यू इज इक्वल टू आर, यही अभी शर्त है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बोल रहा है किसी त्रिभुज के कोण है 3 एक्स वाई और 40, बोल रहा है दो कोणों के बीच का अंतर 30 है तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्यूशन में चलते हैं। तो यहाँ जो हमारा सॉल्यूशन है बोल रहा है किसी त्रिभुज के तीनों कोण एक्स वाई और 40 है, अंतर भी दिया हुआ है x माइनस y इज इक्वल टू 30, तो देखिए तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ पे हमको जोड़ निकल गया 140, अंतर प्रश्न में दिया हुआ है 30 डिग्री x और y का, दो समीकरण युग्म प्राप्त हो गए, दोनों को सिंपली जोड़ दिया गया, जोड़ने के बाद यहाँ पे हमारा आ गया x का वैल्यू 85, दोनों में से किसी भी एक समीकरण में वैल्यू पुट करके y का वैल्यू 55, जोड़ देख लीजिए 55 x
के बाद 30। तो सुनिए तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में चल। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें दिया हुआ है श्रेणी का एक गिरामक पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 अब आइए हम ज्ञात करते हैं। तो श्रेणी का एक गिरामक पद दिया गया, श्रेणी है 2, 4, 6, 8। प्रथम पद ये सार्वंतर आप जानते हैं, 4-2 या 6-4 या 8-6 करके निकाल लेंगे। tn का वैल्यू होता है +(-1)(d), सीधे t11 का वैल्यू डाला, a का वैल्यू डाला, 11 का वैल्यू डाला, 1 का वैल्यू डाला, d का वैल्यू डाला, कैलकुलेट किया 22। 8 का सॉल्यूशन क्लियर, 8 का हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, मतलब 8 का हो गया हमारा आंसर। 22 कैसे हुआ एक बार अगर आप रोक के वीडियो या फिर वीडियो फिर से रिवाइंड करके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारा है वो बोल रहा है AC परपेंडिकुलर है BD पर और CE परपेंडिकुलर है AD पर। तो सिद्ध कीजिए कि AC² = DA * AE। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा बढ़िया समझिएगा। ये चलते हैं सॉल्यूशन पेपर। तो यहाँ जो हमारा दिख रहा है वहाँ हमने क्या किया, जो क्वेश्चन का था ये ले लिए, ओके। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पलटेंगे। क्या पलटेंगे तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको। सी को लेके चल जाएंगे ऊपर, ऐसे करके इसको घुमा देंगे, तो सी ऊपर, ए इधर और डी इधर, सी नीचे। अब आइए तो जरा सा चलते हैं। AC² = AC² कहाँ, हाँ इस ट्रायंगल में आइए, टोटल ट्रायंगल में आइए, ओके। तो AC² = AD² देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो AC² = AD² - CD², ओके। समीकरण 1 एवं 2 से हमने क्या किया, AC² को ऐसे ही लिखा, AD² को DA² लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों AD DA कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद CD² को हमने यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद आइए CD² का वैल्यू समीकरण 2 से पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्या किया, ये माइनस में चला गया, ये भी माइनस में चला गया, DA² AC² अब क्या किए, एक मिनट, DA² CE² जो हमारा है, हाँ CE² को हमने तोड़ दिया, देखिए समीकरण 3 से CE² को हमने तोड़ दिया, AC² + AE², ये जो माइनस में है, तो जब माइनस में इसको करेंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में मिल जाएगा। उसके बाद क्या किया है मैंने, देखिए ये AC² को इधर भेज दिया, तो AC² AC² 2 AC² DA² यहाँ बच गया। अब A² - B² का फॉर्मूला A + B * A - B, 2AC² ऐसे ही बच गया = DA². अब देखिए AE + DE, जरा यहाँ चलते हैं, AE + DE AD या DA है ना, तो AE + DE DA किया, फिर आइए AE - DE, तो AE - DE को ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखिए DA DA यहाँ हमने DA कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया एक DA, ये DA बाहर, यहाँ AE और DE। अब जरा सा आते हैं और DA में DE घटाते हैं तो फिर से AE मिलता है, तो DA में DE घटा देंगे तो AE मिलेगा, फिर एक और, तो AE 2AE, तो यानी कि 2AC² = DA * 2AE। अब 2 कैंसिल, AC² = DA * AE, यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया है, 2 गलती से लिखा गया है, सो दैट AC² = DA * AE। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर चलते। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज ABC और DE अब समरूप है, इनके क्षेत्रफलों का जो रेशियो है वो इतना है, तो DE दिया हुआ है, AB का मान निकालना है। चलिए ये देखते हैं, ये क्वेश्चन सिंपल है, देखिए दोनों का एरिया दिया हुआ है, हम जानते हैं एरिया का जो रेशियो होता है वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। सो डेट हमने इसको x मान लिया है, सारा चीज पुट कर दिया है, कैलकुलेशन यहाँ पे हमारा दिख रहा है आपको, भुजा मतलब एरिया का योग बराबर भुजाओं के वर्गों का योग, x का वैल्यू रख दिया जिसको निकालना था AB को, उसके बदले x रख दिया, x का वैल्यू यहाँ फाइंड कर लिया, 1.91 सेंटीमीटर ऑफ 1.91 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है बोल रहा है वृत्त में उस चापकर्ण या जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आइए सॉल्यूशन में चलते हैं। अभी जो हमारा है एक वृत्त ले लेंगे, इसका जो आर है वो
6 सेंटीमीटर है, ये तंग को निकालना है ए बी, और केंद्र से इसकी दूरी जो है जो 4 सेंटीमीटर है, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के बी डी का वैल्यू निकाल लिए। बी डी का वैल्यू देखिए, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर माइनस आधार लंब स्क्वायर हो गया आधार निकालने के लिए। तो आधार हमारा यहाँ निकल गया 2√5। अब हमको आधार से नहीं, हमको जीवा से काम है, तो जीवा दुगुनी होगी। आप जानते हैं वृत्त के केंद्र से जो लंब होती है वो जीवा को समद्विभाग करती है, तो दैट मीन्स बी डी का वैल्यू 2√5, तो ए बी का वैल्यू दोगुना कर देंगे यानी 4√5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिखाएं कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान कोण बनाती है। ये देखते हैं 12 नंबर। यहाँ पे एक वृत्त लिया गया है, वृत्त लेने के बाद ए बी और बी सी हमने दो जीवाएं मानी है, ये भी समान हमको प्रूव करना है। मान लिया कि उप केंद्र वाले एक वृत्त की दो समान जीवाएं, सॉरी ये हाँ दो समान जीवाएं हैं, समान नहीं करना, ये कोण को समान करना है। दो समान जीवाएं हैं और ये वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित कर रही है ए ओ बी और बी ओ सी, हमको इन्हीं दोनों कोणों को सेम करना है। देखिए दो त्रिभुज ले लेंगे, दोनों त्रिभुज में मैंने क्या किया है, देखिए तीनों भुजा समान क्या कैसे, ये देखिए उभयनिष्ठ है त्रिज्या है, वो भी उभयनिष्ठ, ए ओ बराबर ओ सी ये भी त्रिज्या है, और ए बी बराबर बी सी तो दिया हुआ है भैया कि दोनों जीवा समान है। तो त्रिभुज ए बी सी ए ओ बी जो है हमारा वो बी ओ सी के समरूप हो गया साइड क्रिटेरिया से। तो ए ओ बी जो हमारा कोण है वो हो गया बी ओ सी के बराबर कोण, ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी, कहाँ से सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या है, तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि दो समरूप त्रिभुजों दो सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत जो भाग होगा वो समान होगा। तो जब दोनों को सर्वांगसम कर लिए तो दोनों का शीर्ष कोण समान, x बराबर x हो गया प्रूव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन पेपर को जरा छोड़िए जरा इधर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसमें tan थीटा दिया हुआ है और निकालना है, देखिए हमको ये वाला है ना tan थीटा दिया हुआ है 3/4 और निकालना है हमको ये वाला। आइए तो देखिए क्या करते हैं, ये निकालना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये दिया हुआ है वो निकालना है। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये sin थीटा tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा में मान लिया, sin थीटा को 3x मान लिया, cos थीटा को 4x मान लिया। देखिए पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 3:4 है, इसे में क्या करते हैं 3x 4x मानते हैं ना, तो ऐसे यहाँ भी 3x और 4x माना। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू सीधे हम आके साइन का 3x और कॉस का 4x पुट कर दिया, 3x/27 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर l। अब हमको सिद्ध करना है कि sec थीटा बराबर l स्क्वायर प्लस 1/2l। आइए tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर l, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के कंडीशन पर a प्लस b इनटू a माइनस b इज इक्वल टू 1। a प्लस b यानी sec प्लस tan दिया हुआ है l, sec प्लस tan का वैल्यू हमने l पुट कर दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब इसको इधर कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू 1/l आ गया, इसको समीकरण 2 मार दिया। अब आइए नेक्स्ट नहीं अभी इसको प्रूफ करना है हमको। ये देखिए एक समीकरण दिया हुआ था tan और sec प्लस में था l, और एक समीकरण हमारा आ गया sec और tan माइनस, मतलब tan माइनस में sec के साथ और 1/l, यानी कि अगर हम समीकरण एक और दो को जोड़ देंगे तो tan tan कट जाएगा, sec का ही हमको मान निकालना है। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमने दोनों समीकरणों को यहाँ जोड़ दिया, tan tan कट गया, sec प्लस sec 2 sec, अब l प्लस 1/l, l स्क्वायर प्लस 1/l, अब 2 आ गया इधर, तो l स्क्वायर प्लस 1/2l जो प्रूफ करना था वो हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है। tan दिया हुआ है, tan a दिया हुआ है, एक sin b दिया हुआ है, और हमको cos a प्लस b का वैल्यू निकालना है। तो देखिए बहुत ही हल्का है, tan a बराबर है तो a का वैल्यू 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 में 1 देता है। sin b इज इक्वल टू 1/√2, तो b का वैल्यू भी 45 डिग्री, क्योंकि sin 1/√2 देता है 45 में। तो हमारा हो गया cos a प्लस b का वैल्यू, तो हमारा a और b का वैल्यू हो गया 45 और 45, तो cos a प्लस b, cos 45 प्लस 45 cos 90, cos 90 का वैल्यू 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है p और q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, pq का दूरी निकालना है। भैया दूरी सूत्र लगाया और 13 इकाई आ गया, आप रोक के भी वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे दूरी सूत्र लगा, तो यहाँ 13 इकाई। अगला प्रश्न जो हमारा है, ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमको पी पर, क्वेश्चन नंबर 17 जो देखिए क्या है दिया हुआ है कि 2, 5 और -2, 9 से सम दूरस्थ ऐसा एक बिंदु निकालिए, सम दूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित एक्स अक्ष पर एक बिंदु निकालिए। तो हमने ए को 2 और -5 मान लिया है, बी को -2 और 9 मान लिया है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु स्थित है पी। आइए ना मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको,
क्वेश्चन नंबर 17 x अक्ष पर उस बिंदु के नियामक ज्ञात करें जो इतना से समदूरस्थ है। आइए अब इसका सॉल्यूशन। तो क्या किया, इसको ए कोऑर्डिनेट मान लिया, इसको बी कोऑर्डिनेट मान लिया और पी चूंकि x अक्ष पे है तो इसका वैल्यू ए और जीरो कर दिया। देखिए दोनों समदूरस्थ है, दैट मींस पी ए बराबर पी बी। तो इसमें रूट का झमेला होता है तो दोनों और स्क्वायर कर दिया। दोनों और स्क्वायर करने के बाद यहाँ कैलकुलेशन है, दूरी सूत्र का ये कैलकुलेशन है। ओके, यहाँ दूरी सूत्र का कैलकुलेशन मैंने करके रखा है, पूरा कैलकुलेशन बस कुछ नहीं है, स्क्वायर का कैलकुलेशन है। और यहाँ हमारा ए का वैल्यू -7 आ गया है तो पी का वैल्यू -7 जीरो। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, देखिए ए का नियामक और बी का नियामक दिया हुआ है, सॉरी ए का नियामक दिया हुआ है और इसके मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ है। बी का नियामक हमसे पूछ रहा है तो मध्य बिंदु प्रमेय तो आप जानते ही है, x1 + x2 / 2। तो कुछ नहीं किया, 2 = x1 + x2 / 2 का कैलकुलेशन किया, x का वैल्यू -1 और एक बार कैलकुलेशन किया तो y का वैल्यू 1। आप कैलकुलेशन देख लीजिए, कुछ नहीं, मध्य बिंदु प्रमेय लगा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि असंभव घटना और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है। ये क्वेश्चन तो पहले, क्वेश्चन नंबर 19 असंभव घटना और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है। आइए देखते हैं, पहले यहाँ पे डिफाइन किया गया, असंभव घटना वह घटना है जो कभी घटित नहीं हो सकती है, तो इसकी प्रायिकता 0 होती है। और निश्चित घटना वह घटना है जिसका होना निश्चित होता है, तो इसकी प्रायिकता 1 होती है। अगला हमारा है कि वर्गीकृत आंकड़े के माध्य निकालने का क्वेश्चन नंबर 20 घटना एक के घटित होने को प्रदर्शित करने वाला सूत्र लिखिए। आगे तो देखिए, माना कि किसी घटना के लिए प्रतिघर्ष समष्टि में कुल परिणामों की संख्या n(s)n है। तो घटना ले लीजिए, उसमें n(s) यानी सैंपल स्पेस जो पूरा होता है, पूरा जैसे कि ताश में 52 होता है, ये जो हमारा डाइस होता है उसमें 6 होता है, सिक्का में 2 होता है, तो उसी तरह से किसी घटना के लिए प्रतिघर्ष समष्टि में टोटल n संभव हो सकती है घटनाएं। अब किसी घटना a के अनुकूल संभव जो है जो a होगा तो POP = n(a)n(s) से a बटा n, यही सूत्र होता है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ा जो होता है उसके लिए माध्य का सूत्र क्या है। यहाँ देखिए माध्य का सूत्र दर्शाया गया है, आप वीडियो रोक के भी इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यिका के गुण, देखिए ये सब क्या होता है, माध्यिका के गुण, ये बुक में जाइए और देखिए कि आपने क्या लिखा है और बुक में गुण क्या है, माध्यिका का गुण क्या बताना, वो भी 2 गुण लिख के दिया है। माध्यिका के बहुत सारे गुण होते हैं, मैं कौन बता दूं, तो आप जाके इसको बुक से मिला लेंगे। अब आइए लॉन्ग टाइप चालू करते हैं। हमारा लॉन्ग टाइप का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो, एक मिनट थोड़ा हिल रहा है, हाँ, तो हमारा लॉन्ग टाइप का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है इसका और इसका लेखा चित्र बनाइए और बाई एक्स से जो कटे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोनों समीकरणों के से पहले सारणी बनाई गई। देखिए मैं तीन तीन मान रखता हूँ, तीन तीन मान का एक्यूरेट बनता है। तो यहाँ पे देखिए मान, आप रोक के वीडियो देख लेंगे किस तरह से रखा गया है, मैंने ही रखा है। देखिए वाई का वैल्यू 0 तो एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू -5 तो ये इधर जाके +5, तो 5 5 10, तो इसका वैल्यू इसी तरह से किया गया है। बाई का वैल्यू अगर -5 रखे तो ये +5 हो जाएगा, इधर ही तो कट जाएगा दोनों, एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से दो सारणी बना के और इसका ग्राफ खींचा गया। एक चीज, आप स्केल जरूर लिख लेंगे, स्केल लिखना होता है बाई एक्स पर एक्स छोटा विभाग बराबर कितना इकाई 10 छोटा विभाग यही। तो यहाँ देखिए तीन कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए हमको, एक कोऑर्डिनेट है 1 0, एक कोऑर्डिनेट है 0 -3 और एक कोऑर्डिनेट है 0 -5। प्रश्न कह रहा था जो कि जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकले, तो कुछ नहीं किया मैंने, तीनों कोऑर्डिनेट नोट कर लिया और इधर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। त्रिभुज के क्षेत्रफल आप देख लेंगे एक बार मिला के बढ़िया से, और बिंदु भी मिला लेंगे आप उधर से, फिर से बैक मार के थोड़ा सा वीडियो। तो यहाँ पे हमारा एक इकाई आया। अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है इस समीकरण युग्म को हल कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको दिखाता हूँ और में ये, तो जो हमारा और है वो है रेखीय समीकरण युग्म को हल करें। तो ये देखिए 2 समीकरण युग्म दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसको हमको हल करना है। ये तो इसको हल करते हैं, किया क्या, इसमें सबसे पहले हमने 2 इक्वेशन मान लिया। अब देखिए सबसे जरूरी चीज क्या है, अगर ये देखिए यहाँ पे b है, अगर हम इसको भी b बाई कर देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसी के लिए मैंने समीकरण 1 में b² गुना कर दिया कि इसको b बाई बना दूं, और उसके बाद जोड़ के कैलकुलेशन किया। देख सकते हैं आप, रोक के कैलकुलेशन देख लेंगे, बताना बहुत लंबा हो जाएगा हमारा वीडियो, और भी क्वेश्चन है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा a, आप कैलकुलेशन रोक के और उसके बाद आप देख लेंगे एक्स का वैल्यू ए। फिर जैसे ही कोई भी एक समीकरण में हम एक्स का वैल्यू डालेंगे तो वाई
y का वैल्यू b हुआ है, x बराबर a, y बराबर b, 23 के 2 में, 23 का 2 है p और q के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय का अनगिनत हल होगा। तो हमारा ये जो है देखिए अनगिनत हल का जो कंडीशन है वो यहाँ हमने लिख दिया है। अनगिनत हल के कंडीशन को लिखने के बाद हमने जो भी वैल्यू है उसको बटा में किया है, a1 का मान p-1, a2 का मान 6, b1 का मान 3, b2 का मान 2-2, c1 का मान 2, यहाँ पे माइनस होता दोनों में, मैंने कट कर दिया दोनों को, 2/6 मतलब -2 में भी -6 में भी, तो दोनों को कट कर दिया, सीधे लिखा ही नहीं। अब आइए इसको इसका कंपैरिजन हम इससे करते हैं, तो हमारा पी का वैल्यू 3 आ गया और अगले स्टेप में हम फिर से इसका कंपैरिजन इससे किए तो पी का वैल्यू 3, अगले स्टेप में हम इसका कंपैरिजन इससे करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा क्यू का -7, तो पी बराबर 3, क्यू बराबर -7। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आप जब एक वृत्त के चारों तरफ समांतर चतुर्भुज खींचेंगे तो आपको एक सम चतुर्भुज मिलेगा, ठीक है, तो हम एक खींच लिया समांतर चतुर्भुज, पूरा जो लिखना था वो लिख दिया, आप देख सकते हैं इसको वीडियो रोक के कि क्या लिखा है मैंने। अब क्या है कि देखिए बाह्य ये जो है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये सारा का सारा मैंने बराबर किया है, सारा का सारा बराबर करने के बाद एपी ईएस को बराबर किया, बीपी बीक्यू को बराबर किया, ये तो आप जानते ही होंगे, सबको बराबर किया। फिर समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा, ये दिखने में नहीं लग रहा समांतर चतुर्भुज बट समांतर है, तो एबी और सीडी समांतर चतुर्भुज है तो इनकी भी भुजाएं आमने सामने का सेम होगा। फिर हमने इसको इसके अनुसार से तोड़ दिया है, दो इक्वेशन बनाया, देख लेंगे आप रोक के इक्वेशन कैसे कैसे बनाया है, ये यहीं पे दोनों सब सारा समीकरण है। उसके बाद हमने क्या किया कि समीकरण एक दो को जोड़ दिया, बीपी बराबर आ गया हमारा डीआर, देखिए जोड़ के आप देख लेंगे कैसे आया, बीपी इज इक्वल टू हमारा हो गया डीआर, हमने इसको एक्स माना तो ये भी एक्स, अब बीपी इज इक्वल टू डीआर है तो भैया ये एक्स तो ये भी एक्स, अब ये एक्स तो ये भी एक्स, ये एक्स तो ये भी एक्स, क्योंकि दोनों बराबर। अब जरा सा देखेंगे इसको बाई बाई मान लेंगे, अब देखिए इसका एबी का टोटल वैल्यू कितना हो गया, तो एबी का वैल्यू हो गया एक्स प्लस वाई, अच्छा एडी का कितना वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू हो गया एक्स प्लस वाई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी दो समांतर, जब भी किसी समांतर चतुर्भुज की अगल बगल वाली भुजा समांतर हो, समान हो जाए तो ये विषमकोण सम चतुर्भुज यानी रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है जो हमारा है कि दो समकोणिक वृत्तों को तो बड़े वृत्त के उस चापखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते। चलिए यहाँ पे एक वृत्त बनाया गया, इसका मैंने सॉल्यूशन नहीं किया, सॉर्ट कर दिया है, इसको आप लिख के जैसे बनाए होंगे आप जो है, ये छोटा सा वृत्त इसका 3 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला वृत्त इसका 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर में पाइथागोरस प्रमेय लगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा 4, दुगना कर देंगे 8 सेंटीमीटर। अगर आपने आंसर लिखा होगा तो बिल्कुल सही होगा। अथवा चलते हैं अथवा में, 24 का अथवा जो है बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल x है, भुजा b है, साबित करें कि b से AC पर खींचे गए लंब BN की लंबाई इतना होगा। आइए देखते हैं, यानी कि क्या किया गया, एक त्रिभुज लिया गया समकोण त्रिभुज ABC, b से AC पर खींचे गए लंब का BN है, यही BN का वैल्यू हमको निकालना है। पहले हमने क्या किया है, एरिया दिया हुआ है x, तो ये आधार हमारा b है, ऊंचाई हमने इससे निकाल लिया है, एरिया का ही फॉर्मूला लगा के हमने ऊंचाई निकाल लिया। ऊंचाई निकालने के बाद पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण निकाल लिया, क्या निकाल लिया, कर्ण। अब देखिए एक बार हमने हाथ गुने आधार गुने ऊंचाई उधर से लगाया था समकोण त्रिभुज वाला, अब हम लगाएंगे आधार इसको और ऊंचाई इसको मानेंगे, तो आधार मानना किसको, एसी को, ऊंचाई किसको माना, बीएन को, आधार मानना एसी को, ऊंचाई माना बीएन को, तो हाथ गुने आधार गुने ऊंचाई एसी और बीएन। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो प्रश्न में ही एक्स दिया हुआ, एक्स को पुट किया, BN का वैल्यू जब निकाला तो 2BX बटा रूट ओवर बी पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ स्टेप जंप हुआ यहाँ पे, तो यहाँ BN का वैल्यू प्रूफ हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के किसी केबल टावर के उच्चतम बिंदु का उन्नयन को 60 है और जो इसका पैर है जो पाद है उसका 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए देखते हैं सॉल्यूशन में, क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा है इसमें ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारा टावर है, ये देखिए इसको हमने क्या किया है, बिंदु से इस बिंदु से जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, जो पाद का अवनमन कोण है वो 45 है,
ये 45 तो इसका एक अंतर, ये 45, अब आइए बात करते हैं, ये 7 तो ये 7, ये 45 डिग्री है तो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है, ओके, इसको बनाया नहीं है, डायरेक्ट कर दिया है, आप अगर बनाए होंगे तो आंसर मिलाएंगे। 10 45 के अकॉर्डिंग ये 7 तो ये भी 7, अब ये बेस 7 तो इसका सामने वाला 7, अब इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल में 10 60 इज इक्वल टू तो लंब बट्टा आधार, लंब x आधार 7, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 7√3, तो ये ऊपर वाला x 7√3 नीचे वाला 7, टोटल ऊंचाई निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे तो 7 × √3 + 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसका अथवा ये दोनों देख लीजिए आप बढ़िया से, दोनों का सोल्यूशन मैं भी करने वाला हूँ, चलिए आइए तो देखते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो ये, इसका LHS लिया, LHS में cos को तोड़ दिया, cot को तोड़ दिया, यहाँ सोल्यूशन पूरा आपके सामने है, आप इसको रोक के देख ले किस तरह से बनाया गया है, ये RHS थोड़ा सा एक स्टेप जंप किया है मैंने, इसके बाद एक और स्टेप लिखा था, फिर RHS लिखा था, एक और स्टेप क्या मतलब, यही प्रेस करके लिखा था, तो ऑप्शन नंबर क्या मतलब, इसमें ये प्रूफ हो गया हमारा RHS। अब अगला है, ये अगला में ये प्रूफ करना है, ओके, तो फिर से मैंने LHS लिया, LHS लेने के बाद यहाँ कैलकुलेशन आपको दिख रहा है, कैलकुलेशन क्या किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जुट के हो गया एक, ये एक यहाँ, ये दो साइन है, एक एक दो, दो दो कॉमन लिया, दो कॉमन लेने के बाद अंदर बच गया 1 + sin a, 1 + sin a, 1 + sin a कैंसिल, 2/cos a, cos a ऊपर 2 sec a RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले 4 सेमी, मतलब कुछ नहीं, एक मतलब बेलन है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर व्यास वाला, इससे 2×4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 2.1 सेंटीमीटर का शंकु काटा गया है, बाकी का आयतन, तो यहाँ पे बाकी का आयतन निकालने के लिए बेलन की ऊंचाई है, बेलन का व्यास है, फिर बेलन की त्रिज्या निकाल दी गई है, शंकु की ऊंचाई है, शंकु की त्रिज्या है, बेलन का आयतन यहाँ पे हमारा हो गया πr²h, बेलन का आयतन यहाँ पे हमारा हो गया πr²h, तो बेलन का आयतन πr²h से हमने सीधे इसका जो वैल्यू है वो लिख दिया, बेलन का आयतन आ गया 539 cm², सॉल्यूशन आप देख लेंगे, उसके बाद शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, इससे दो शंकु का हमको निकालना था इसलिए मैंने यहाँ 2 रखा है, ओके, दो शंकु का आयतन यहाँ आ गया 176.21 cm², कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है कि बोल रहा है बचे हुए का, तो शेष का आयतन निकालने के लिए इन दोनों को घटा देंगे, आप दोनों को घटा लीजिएगा, जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक और में ये क्वेश्चन, एक शंकु को इसकी भुजाएं लंब में 12 और 5 में, इसको कर्ण के परिगत घुमाया गया एक संपूर्ण त्रिभुज को, तो बने ठोस का आयतन, देखिए इसमें शंकु बनेगा, ओके, शंकु कैसे बनेगा, तो जब भी आप इसको ऐसे करके घुमाएंगे इसके परिगत, तो 13 डायमीटर का आपका ये क्या होगा, ये बनेगा इस तरह से, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको कर्ण के परिगत इस तरह से जब आप घुमाएंगे तो ये 12 ये हो जाएगा और 5 हो जाएगा इसका आधार, इस तरह से बनेगा, ये आधार 5 होगा, है ना, तो ये इस तरह से, ये 13 रह जाएगा इसका स्लेंट हाइट, हाइट रह जाएगा 12 और 5 रह जाएगा इसका रेडियस, यानी कि क्या करना है आपको, हाइट 12 मिला हुआ है, 5 रेडियस मिला हुआ है, बस कुछ नहीं करना है आपको, इस हिसाब से इसको बना देना, इसका सोल्यूशन मैंने